ले रहे हैं क्यों बिना जो साउंड आ रहा है कैसा आ रहा है ऐसा कैसा आ रहा है लड़के चलाने चाहते हैं आपके साथ देखने क्या बात है यार क्या बात है लद्दाख वद्दाख आ चुके हैं क्या लोकेशन देखो गाइस लद्दाख वाली लोकेशन हो रही यार ये तो कौन सी मार्केट में ले आया भैया ये मसाला मार्केट ये चूना मार्केट है भाई चूना लगा दिया नेविगेशन ने अपन को हेलो एवरीवन मायसेल्फ रेहान वेलकम बैक टू द चैनल वेलकम बैक टू योर ब्रांड न्यू व्लॉग सो गाइस आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल तो गाइस आज की राइड बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि जो राइड होने वाली है वो होने वाली है झांसी से लेके भोपाल तक की और इस राइड में ज्वाइन कर रहे हैं मेरे को अविनाश भैया और ये वाली राइड ना मैं लीड करने वाला हूँ सो ये वाली राइड ना बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है सो गाइस चलो मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पर गाइस चलो चलते हैं सबसे पहले मिलेंगे अविनाश भैया से वो मेरा वेट कर रहे हैं पेट्रोल पंप पर सो उनके दो चार कॉल आ चुके हैं मैं हमेशा की तरह राइट पे ना उनसे यही बोलता हूँ कि मैं दो मिनट में आ रहा हूँ बट कोई नहीं चलो चलते हैं क्या बात है यार टेनार क्या बात है क्या साउंड दे रही हो तुम सो यार तबीयत खुश कर दी टेनार यार प्रमोट पेट्रोल पंप आ चुका है और हमारे राइडर ना सामने ही खड़े हैं क्या बात है राइडर वेलकम टू द राइड गाइस फाइनली अविनाश भैया मेरे को मिल चुके हैं अविनाश भैया ने रिफ्यूलिंग करा ली क्यों कराई नहीं कराई अभी नहीं कराई तो मैं भी देखता हूँ अभी मेरी बाइक में अगर फ्यूल आ गया तो ठीक है नहीं तो मैं भी नहीं डलाऊंगा फ्यूल तो सीधा निकलते हैं राइड पर मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पर गाइस चलो चलते हैं पहले कराते हैं रिफ्यूलिंग देखते हैं अपनी बाइक में कितना फ्यूल आता है भैया फुल कर देना वो XP95 फुल कर दो फुल सो गाइस फाइनली रिफ्यूलिंग हो चुकी है और दोनों राइडर्स निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ तो करते हैं काफी ज्यादा मजे और अविनाश भैया ना हमारे साथ जब भी राइड में जाते हैं वो हमेशा से पहले पहुंच जाते हैं मैं लेट हो जाता हूँ बट कोई नहीं गाइस आप लोग एंजॉय करो राइड को और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सबसे ज्यादा एंजॉय कराऊ इस राइड में और ये राइड ना इसमें गाइस 2 से 3 एपिसोड बनाने की कोशिश करूंगा कि 2 से 3 एपिसोड आए इस राइड के चलो मिलते हैं काफी करते रहो एंजॉय यार लाइफ है और लाइफ ना सब सफर में निकालो गाइस मंजिल का मजा लो सो गाइस आज झांसी वालों को ना रेहान खान और अविनाश सिंह ने उठाया है तो गुड मॉर्निंग झांसी वालों और बाय बाय बोलते हैं झांसी को यहीं पर ही और अब सीधा निकलते हैं शुपरी हाईवे पे और फिर वहां से निकलेंगे सीधा गुना के लिए सो ऑलराइट गाइस हम लोग आ चुके हैं हाईवे पर और ये जो हाईवे है ना ये शुपरी हाईवे है और हमारा पहला टोल भी आ चुका है यहाँ से झांसी से शुपरी है 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सो हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब जितना जल्द से जल्द हो कि स्टार्टिंग की राइड कवर कर सकें कि धूप हम लोगों को कम से कम मिले और हम लोग भोपाल जल्द से पहुंचे सो क्रॉस करते हैं अपना पहला वाला टोल और फिर निकलते हैं सीधा शिवपुरी के लिए सो गाइस अविनाश भैया को देख रहा हूँ कितने मजे कर रहे हैं वो बाइक के ऊपर खड़े होकर रिवर के मजे ले रहे हैं और सामने ही प्यारी सी रिवर है और गाइस सामने जब मैं पहाड़ देखता हूँ मुझे हिमाचल की याद आ जाती है और जो इसके बाद मिलने वाला है जो पहाड़ है जो पहाड़ के बीच में से जाएंगे तो वो जगह देखो गाइस यही वाला रोड रहेगा जो बीच में से पहाड़ को काट के बनाया गया है और अविनाश भैया काफी मजे कर रहे हैं और यहाँ देख रहा हूँ गाइस पहाड़ बीच में से काट दिए और सामने ही शिवपुरी है गाइस और यहाँ से शिवपुरी 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होने वाला है सो ऑलराइट गाइस हम लोग आ चुके हैं शिवपुरी और रैबर भाई को बोलते हैं यहीं से टाटा बाय बाय रिटर्न आने में रैबर भाई से मिलेंगे और सोच रहे थे रैबर भाई से बोलते हैं कि कोई ब्रेकफास्ट लेके आओ जो हम लोग कुछ भी खा के नहीं आए तो अभी स्टॉप लेंगे आगे चल के किसी भी ढाबे पे कोई बढ़िया ढाबा मिलता है तो वहाँ पर स्टॉप लेते हैं फिर बढ़िया ब्रेकफास्ट करते हैं गाइस अपन लोग आगे चल के सो गाइस अभी मैंने एक छोटा सा स्टॉप लिया है 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद कि अभी हम लोग शिवपुरी क्रॉस कर गए और हम लोग अभी थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे सीधा गुना के लिए सो अभी हम लोग यहाँ ढाबे पर स्टॉप लिया अभी हम लोग ने और ये हमारी खड़ी है दोनों ब्यूटी फिर निकलते हैं सीधा राइड पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है अविनाश भैया ना इतने मजेदार आदमी है मैं क्या बताऊं अविनाश भैया के साथ जब भी राइडिंग करते हैं ना राइडिंग कम एंजॉयमेंट ज्यादा होता है राइडिंग पर और रोड्स पर यार और अपनी ब्यूटी जब देखते हैं ना गाइस इतना मजा आता है जब दोनों ये दोनों बाइक जब साथ खड़ी होती है तो इनका मजा ही अलग है गाइस सीरियसली चलो करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर सीधे निकलेंगे राइड पर
तो गाइस चलो चलते हैं इस जगह को, बोलते हैं टाटा बाय बाय और अब निकलते हैं सीधा गुना के लिए। और गर्मी भी ना काफ़ी हो गई है, सनराइज अच्छा खासा होता चला जा रहा है, टाइमिंग निकलती चली जा रही है। और हम लोग ना यहाँ पर काफ़ी हम लोग ने लंबा स्टॉप ले लिया, हम लोग को इतना लंबा स्टॉप नहीं लेना था, बट कोई नहीं चलो पकड़ते हैं। अविनाश भैया भी 200 प्लस थे और उनके हाइड्रेशन बैग के ऊपर का क्लिप ओपन हो चुका था जिसमें अविनाश भैया का कैब लगा हुआ था, वो कैब जा चुका है गाइस। जिसको भी कैब मिले वो अविनाश भैया को कॉन्टेक्ट करके ना उनका कैब वापसी कर सकते हैं क्यों अविनाश भैया, और उसको ना अविनाश भैया से मिलने का मौका मिलेगा जो भी कैब लेके आएगा, 1000 रुपए का इनाम और नए वाले फ्लैट में एक पार्टी भी। सो गाइस अभी हम लोग ने हाईवे से नीचे कट ले लिया है जो गुना सिटी होते हुए जाएगा, हम लोग को गुना सिटी से ही सीधे जो रोड हाईवे पकड़ना है ना भोपाल के लिए वो गुना सिटी होते ही अंदर से जाएगा। तो अभी हम लोग गुना वाले सिटी वाले हाईवे पे आ चुके हैं और मैं हमेशा से मेरा यही है कि अगर मैं जब भी भोपाल जाता हूँ मैं सीधे निकल जाता हूँ, फिर नीचे से कट लेके वापसी आना पड़ता है मेरे को हमेशा। बट इस बार ना हम लोग सही आए हैं क्योंकि इस बार ना हमारे प्रो राइडर हमारे साथ हैं अविनाश भैया। अभी हम लोग गुना वाले रोड पर आ चुके हैं, अभी यहीं से सिटी पड़ेगी गुना की, फिर सीधे ही हाईवे रहेगा भोपाल के। यहाँ पर भी हम लोग रिफ्यूलिंग कराएंगे क्योंकि 200 किलोमीटर हो जाएंगे हमारी बाइक में और 200 किलोमीटर के बाद ही हमारा रिफ्यूलिंग का टाइम होता है। बाइक गाइस अभी 8 बज रहे हैं और अभी से हम लोग को ना गर्मी लगने लगी है यार, सोच रहा हूँ गाइस अभी तो 10-11 बजे तो पता नहीं क्या होने वाला है, कितनी गर्मी लगने वाली है। बट कोई नहीं यार, जब पैशन की बात आती है ना तो गर्मी सर्दी कोई नहीं, ना बारिश हो तो फिर गाड़ी उठाओ अपनी बाइक उठाओ निकल जाओ सीधा राइट पर, ना यहाँ से 86 किलोमीटर की डिस्टेंस पे गाइस इस गुना भी आने वाला है। और गाइस ना मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, अभी इतनी धूप नहीं लग रही है, अभी पहले थोड़ी सी बहुत धूप लगने लगी थी बट अब धूप नहीं लग रही है, गुना आई थिंक 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। और गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि जो झांसी से लेके भोपाल तक का हाईवे है ना बहुत ही अच्छा हाईवे है, बहुत बढ़िया हाईवे है, लेकिन अभी जो झांसी से लेके शुक्री तक का जो कट है उसमें भी रोड पे काम चल रहा है, लेकिन गाइस काफ़ी अच्छी राइड जा रही है, काफ़ी मज़ा कर रहे हैं अभी हम लोग ने और काफ़ी चीज़ें और काफ़ी राइडर्स भी अपने लोग को मिले थे अभी रोड्स पर, तो उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई लेकिन बट क्या है ना राइडर एक दूसरे को देख के ही खुश हो जाता है। और अविनाश भैया तो मान ही रहे हैं, अविनाश भैया तो 150+ बाइक चला रहे हैं अपनी 150+ यार, मैं तो छोटा बच्चा हूँ तो मैं गाड़ी भगाता नहीं हूँ अभी। हंस रहे अविनाश भैया देखो यार, सच मैं सच बोलता हूँ यार, तो अविनाश भैया हंसते हैं यार, बताओ गाइस राइड पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और दोस्तों आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो गाइस एक बात हमेशा नोटिस करना, हमेशा जब भी आप राइड में हो अगर तो अपनी बाइक का ना टेम्परेचर हमेशा देख के चलना, मेरी बाइक का टेम्परेचर इस टाइम 78 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, बाइक बहुत अच्छे टेम्परेचर पर, अविनाश भैया की बाइक का टेम्परेचर 76 हो रहा है, तो मतलब दोनों ही बाइक नॉर्मल हीट पर इतनी ज़्यादा हीट नहीं कर रही हैं। बट क्या है ना कि अपन को अपनी बाइक की केयर भी लेके चलना है कि अपन बाइक ना ये भी मशीन है यार, ये भी अपनी वो मांगती है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर दो ना। यहाँ से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, वो भी हम लोग अभी 15-20 मिनट के अंदर कवर कर देंगे, तो गुना आने वाला है तो फिर अपन उसमें कराएंगे अपनी बाइक में रिफ्यूलिंग। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं गुना, तो साइज ये गुना सिटी है और अब हम लोग गुना सिटी में नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं से सीधा हाईवे पकड़ते हुए सीधा भोपाल के लिए जाएंगे। अब हम लोग को क्या है ना कि हम लोग ने सोचा था पहले गुना सिटी के अंदर एंटर करेंगे, XP95 फ्यूल टॉपअप कराएंगे, बट अब क्या है ना कि अपन फ्यूल टॉपअप अपने हाईवे पर ही कराएंगे, देखते हैं हम लोग को XP95 जहाँ पर मिलता है तो वहाँ पर अपन रिफ्यूलिंग कराएंगे बाइक में, क्योंकि 200 किलोमीटर हो जाएंगे, 200 किलोमीटर पर अपने बाइक को रिक्वायरमेंट होती है फ्यूल की। लोकेशन है गाइस, ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका आ चुका है क्योंकि साउथ अफ्रीका में ना मोस्टली ऐसी जगह होती है। क्यों अविनाश भैया क्या बात है यार, राइडर यार तुम तो बदलते निकलते हो यार, बड़े स्पीड दे रहा गाइस, देख रहा हूँ गाइस कितने स्पीड ले रहा है अविनाश भैया, और हमसे बोलते हैं कि तुम मुझसे तेज चलाते हो गाड़ी, मैं तो चलाता ही नहीं हूँ यार, यही मेरे को अगर ये गाड़ी भगा दे तो मेरे को भगाना पड़ती है गाइस। गाइस अभी हम लोग पेट्रोल पंप देख रहे हैं कि हम लोग को 2-4 पेट्रोल पंप मिल चुके हैं, क्या क्या कह रहे हो भैया, नहीं 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 एक नंबर लग रही है भैया, कह रहा बाइक एक नंबर लग रही, चलो थैंक यू भैया।
बाइक ने साउंड दिया गाइस, भैया ने मोटिवेट करा और यहाँ पर चार्ज हो गए थे बट वो इतने चार्ज नहीं होंगे, बहुत स्लो ही चलेंगे गाइस। ये आठवां पेट्रोल पंप है, देखते हैं कि इसमें मिलता है नहीं मिलता है। नहीं है भैया, इसमें भी नहीं है गाइस, पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा, क्या करें यार। यही बहुत दिक्कत होता है सुपर बाइक को लेके कि अगर एक्सपी 95 ना मिले तो बेकार है यार। सामने एक बार पेट्रोल पंप भैया, देखते हैं गाइस, देखते हैं कि अगर पेट्रोल पेट्रोल मिल गया तो मज़ा ही आ जाएगा यार। अपनी गड्डी ना हमेशा फुल रहना चाहिए यार, जब गड्डी में पेट्रोल होता है ना तो अपन टेंशन फ्री रहते हैं। भैया देखो HP पे शायद से पावर के नाम से आता है, हैगा। देखो लो गाइस, कहीं पर भी पेट्रोल, भैया एक बार पेट्रोल पंप है सामने, भैया बैक टू बैक तीन तीन पेट्रोल मिलते जा रहे यार अपन को। पेट्रोल मिल जाएगा ना गाइस तो मजा ही आ जाएगा गाइस। देख रहा हूँ ये जो करते हैं ना ये नहीं होना चाहिए बस। भैया ये तो बड़ा लग रहा पेट्रोल पंप, लो भैया नहीं है, किसी पे पावर नहीं है, किसी पे भी नहीं है गाइस। यार गाइस अब क्या करें यार, पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा तो गाइस कोई भी इस जगह से हो तो पेट्रोल ले जाओ गाइस जिसका इंतजार नहीं कर रहे थे वही आ चुका है, फ्यूल का इंडिकेशन आ चुका है और पेट्रोल पंप का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अब देखते हैं अब जो भी पेट्रोल पंप मिलेगा वहाँ पर पेट्रोल डलाएंगे मजबूरी में, बट कोशिश करेंगे। भैया आप बूस्टर लेके आए हो? लो गाइस वो भी नहीं आया यार, वो भी नहीं आया यार, बट आप ले लेंगे मज़ा, शॉर्ट इन्जॉय करो। देख रहा हूँ गाइस क्या लीन हुआ था यार, भैया स्लो स्लो चलना, ज़्यादा पावर नहीं देंगे बाइक में, तो पेट्रोल नहीं है बाइक में। गाइस बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है क्योंकि पेट्रोल पंप मिल नहीं रहा है और बाइक ना यार कंटिन्यूसली चलती चली जा रही है। पेट्रोल मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम यार गाइस, कहीं पर भी पेट्रोल मिल जाए यार, क्योंकि बाइक में भी इतना पेट्रोल है कि अगर अपन नॉर्मल पेट्रोल डलाएंगे तो दोनों मिक्स होकर वो XP 95 वाला ही काम करेगा। यार पेट्रोल पंप मिल जाए यार, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है गाइस इस टाइम, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है यार। ये कौन सी सिटी है यार, ये कौन सा गाँव है यार, इधर पेट्रोल पंप नहीं है यार, लोग यहाँ के कैसे सर्वाइव करते होंगे विदाउट पेट्रोल के यार। है पूछे किसी से यार कहीं पेट्रोल पंप होगा तो भैया काम हो जाए, नहीं तो यार अपन को तो हमें तो टेंशन हो रही ना बहुत ज़्यादा यार कि भाई यार नॉर्मल बाइक नहीं है ना यार ये, अपने की धचके से ले जाओ। खैर दिख गया भाई, दिख गया, रुक जाओ भाई, रुक जाओ अविनाश भैया, दिख गया, आ जाओ आ जाओ। ओ भाई नॉर्मली मिल जाए, आ जाओ नॉर्मली है गाइस। हम लोग ना अभी 10-15 पेट्रोल पंप छोड़ने के बाद जहाँ हम लोग को XP 95 नहीं मिला वहाँ पर हम लोग ने नॉर्मल पेट्रोल रिफ्यूल करा लिया है, क्योंकि बाइक में ऑलरेडी कम से कम 5 लीटर तो होगा तो वो XP 95 वाला ही काम करेगा, ये अपने पास बेनिफिट था। लेकिन यार टेंशन तो होती है ना गाइस अब, लेकिन अब यही है कि क्या करें कि मजबूरी में ना तो सब कुछ काम चलाना पड़ता है। चलो चलते हैं अब भोपाल में ही 95 फ्यूल कराएंगे अब, सो निकलते हैं, चलो मिलते हैं सीधा बाइक पर। सो गाइस अभी हम लोग ने फ्यूलिंग करा ली है नॉर्मल पेट्रोल की कि अब वो XP 95 वाला ही काम करेगा, बट अभी हम लोग ने फुल टैंक नहीं कराया, अभी 700 का ही रिफ्यूल कराया है अभी बाइक में। तो अभी देखते हैं कि भोपाल से पहले कि अगर XP 95 मिलता है तो फिर XP 95 ही पूरा रिफ्यूल कराएंगे अपन, फुल टैंक उससे ही कराएंगे अपनी बाइक का। ये T220 वाली जो रोड है ना वो ऐसी है ही, ऐसा लग रहा था मेरे को एक टाइम में लगा कि मैं गोवा हो गया यार, बट गाइस गोवा नहीं आया, यहाँ से भोपाल ही जा रहे हैं। पर वो भोपाल की डिस्टेंस जो बची हुई है ना वो हम लोग की अभी 118 किलोमीटर बची हुई है, तो वी आर कवरिंग इट। तो गाइस वो राइड पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्यों अविनाश भैया कितना मज़ा आ रहा है राइड पर, देखो गाइस क्या अविनाश भैया दे दिया कि एक नंबर। और गाइस अभी हम लोग को इतनी भी गर्मी नहीं लग रही, गर्मी हम लोग को लगी थी 7 बजे के टाइम तक। एंजॉय करो लाइफ में ना यार, लाइफ एंजॉय के लिए बनी है गाइस, सिर्फ लाइफ में ना एक्सप्लोर करते रहो जगहों को यार, जो देखो घूमने में मज़ा आता है ना एक्सप्लोर करने में चीज़ें अच्छी लगती हैं गाइस। देखो आपकी जनरल नॉलेज भी तेज़ होती है चीज़ें से एक्सप्लोर करने से, और क्या है ना बाकी तो फिर घूमने फिरने में तो दिल लगा ही रहता है गाइस। सो गाइस मेरी बाइक ना 4041 किलोमीटर कंप्लीट हो चुकी है आज, और अब गाइस 441 किलोमीटर में मैंने कितनी चलाई होगी, 2500 किलोमीटर तो एक मैकलोडगंज की राइड ही थी गाइस, सिर्फ इतनी मतलब 2-4 राइडों में ना 4000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं देख लो। और भोपाल यहाँ से 108 किलोमीटर की डिस्टेंस पे गाइस सामने ही है, देख लो बोर्ड
गाइस अभी हम लोग ना एक रोड भूल गए थे, तो नेविगेशन देखो कौन से गांव से लेके आया, कौन सी गलियां घुमा रहा है, देख रहे हो गाइस। और जो पब्लिक रिएक्शन हम लोग को मिल रहा है ना गाइस, क्या बताएं यार, हाईवे आ जाए यार। कौन सी मार्केट में ले आया भैया ये? ये चूना मार्केट है भाई, चूना लगा दिया नेविगेशन ने मन को। जो भी यहाँ से बिलोंग करता है ना गाइस, तो कमेंट करके बताना कि कौन सा एरिया है यार। अबे भाई बहुत गर्मी हो रही है गाइस, अब तो गर्मी भी लगने लगी है, मार्केट देख के गर्मी लगने लगी है मेरे को तो यार। हाईवे आ जाए यार, टेंशन फ्री हो जाएंगे यार, हाईवे आना ना बहुत ज्यादा जरूरी है यार। भाई साहब यार पब्लिक तो पागल हो रही है यार यहाँ की यार, ऐसा लग रहा है सुपर भाई यार पहली बार देख रहा हूँ यार ये लोग। हम लोग लद्दाख वद्दाख आ चुके हैं क्या? लोकेशन देखो गाइस, लद्दाख वाली लोकेशन हो रही है यार ये तो, स्पीति वैली है। आज तो हम लोग ने ना भोपाल वाली राइड में लद्दाख, गोवा, साउथ अफ्रीका सब कवर कर लिया। देखो गोवा ये वाले तो ट्रीज रहते हैं उधर, पाइन वाले ट्रीज यार, देख रहा क्या साउंड देती है अपनी बाइक यार, पावर देखो यार, टेनार का जो पावर है ना गाइस यार, इसकी तो बहुत ही अलग है। इसके बाद ना सुपर बाइक की सारी बातें खत्म हो जाती हैं जब टेनार का नाम आता है यार गाइस। टेनार टेनार है, टेनार शेर अपना शेर। तो गाइस हम भी, हम लोग ने फिलहाल अभी एक स्टॉप लिया है, और जो भोपाल की डिस्टेंस होने वाली है वो यहाँ से वो होने वाली है 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, और ये हमारी दोनों ही बाइक्स खड़ी हुई है, अविनाश भाई हमारे वो खड़े हुए हैं। अभी हम लोग ने थोड़ा सा स्टॉप लिया है क्योंकि हाइड्रेशन के लिए, तो हम लोग पानी वानी पियेंगे थोड़ा, इस चक्कर में हमने कहा रुक जाते हैं। भोपाल आने वाला है, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस रह चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक घंटे के अंदर कवर कर लेंगे। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं सीधा बाइक पर। सो गाइस अभी हम लोग ने ये स्टॉप लिया था ना, ये लोकेशन थी, और यहाँ पर ना काफ़ी मज़ा आया, और हमेशा देखा ही है कि पेड़ के नीचे लोग बैठते ना, आज हम लोग भी बैठे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी एडवेंचर टाइप का लगा। तो चलो निकलते हैं, अविनाश भैया ने तो अपने पैकअप कर लिया है, मैं भी निकलता हूँ सीधा होने के पीछे। तो गाइस अब सीधा मिलते हैं भोपाल में। भोपाल मैंने गोप्रो की भी बैटरी चेंज कर ली है, मैंने दूसरी वाली बैटरी अभी लगाई है, गोप्रो की पहली वाली बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई थी। गाइस अभी हम लोग का डिस्टेंस बचा हुआ है यहाँ से 25 किलोमीटर जो भोपाल रहने वाला है, और गाइस गर्मी ना बहुत ज़्यादा वाली हो गई है, और इस टाइम ना अभी हम लोग की बुकिंग की होटल में, ताज होटल में बुकिंग है हम लोगों की, लेकिन जो उसका चेकिंग टाइम है वो अभी 1 बजे के टाइम पे है, लेकिन हम लोग अभी 11 बजने वाला है। तो अभी हम लोग जाएंगे सबसे पहले अयान के घर, वहाँ पर थोड़ा करेंगे रेस्ट, फिर अयान से कहेंगे यार थोड़ा फालूदा वालूदा लेके आओ, भोपाल का फालूदा बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मन वो सब पियेंगे और खाएंगे थोड़ा बहुत, फिर अपन होटल में चेक इन करेंगे, और फिर जाके देखते हैं फिर जो भी सीन बनता है, जो भी प्लान बनेगा तो उसको अपडेट करेंगे गाइस। आ चुके हैं सेफली, और गाइस राइड पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, और अविनाश भैया ने काफ़ी इंजॉय किया है हमारे साथ। क्यों अविनाश भैया मज़ा आया आपको? और गाइस अभी चलते हैं सीधा अयान भाई के घर, फिर अपन चलेंगे होटल की तरफ, क्योंकि हम लोग का जो चेक इन होना है होटल में वो 1 बजे, और हमारे जो बुकिंग है होटल की वो ताज होटल में बुकिंग है। सो गाइस जो भी होगी चीज़ अपडेट करी जाएगी आपको, वॉच के अपडेट करेंगे, जो भी सीन बनाते हैं अभी हम लोग भोपाल में क्या सीन है, अभी कुछ भी प्लान नहीं है, सभी अनप्लान है। अब देखते हैं पहले होटल चलेंगे, उसके बाद ही करेंगे गाइस जो भी सीन बनाएंगे। सो गाइस अभी फिलहाल VIP रोड पर हैं, और अभी ना होटल जाने से पहले अपनी घरानी की ना सफाई होगी, पहले अपन बाइक वॉश कराएंगे, उसके बाद होटल में चेक इन करेंगे, हमारा टाइम भी हो जाएगा होटल का, जब तक फिर अर्ली चेक इन में चार्जेस नहीं लगेंगे, तो फिर हम लोग अपनी बाइक वॉश कराएंगे, फिर सीधा ना कोई दिक्कत नहीं है मियाँ, फिर तो अपन भोपाल में है यार। देख रहे हो गाइस ये VIP है, ये पूरी लेक है, कि देख रहे हो भोपाल को बोलते हैं द सिटी ऑफ लेक। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बाइक वॉशिंग के लिए, अभी लगाते हैं यहाँ पर, फिर करवाते हैं अपनी बाइक वॉश। गाइस फाइनली हम लोग भोपाल आ चुके थे, और जिस एरिया में अभी हम लोग हैं वो है हमीदिया, और अभी हम लोग सबसे पहले कराएंगे बाइक को वॉश, तो अपनी बाइक हो रही है वॉश दोनों ही, ये अविनाश भैया ही खड़ी है, वो मेरी वाली है, वॉशिंग पे लगी हुई है। अब उसके बाद सीधा जाएंगे हम लोग अपने होटल, जब तक हमारे होटल का भी टाइमिंग हो गया है। राइड बहुत ज़्यादा सेफ रही है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस वाली राइड पे। और सो गाइस जो आने वाले ब्लॉग्स हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि भोपाल में कम से कम 2 से 3 एपिसोड आएंगे। सो स्टे ट्यून रहो, साथ रहो, तो इन्जॉय करते रहेंगे साथ में। चलो चलते हैं सीधा होटल की तरफ। भोपाल आते ही ना हमारी बाइक चार्ज हो गई, और बाइक हमारी ना बैक बाय शॉट जो दे रही है गाइस यार अमेजिंग यार, दोनों ही बाइक्स क्लीन हो चुकी हैं, बहुत शानदार लग रही हैं पहले की तरह। अब क्या है ना कि बैक बाय शॉट जो आ रहा है ना, और जो पब्लिक देख रही है, जो पब्लिक रिएक्शन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं गाइस, इतने शानदार रिएक्शन कि मैं क्या बताऊँ। पब्लिक जब सुपर बाइक को देखती है इतना खुश होती है,
उनको देख के हम लोगों को इतनी खुशी है कि चलो कि हमारी वजह से कोई तो खुश हुआ यार। गाइस हमारा होटल आने वाला है और हमारा होटल आ चुका है। गाइस ये है हमारा होटल ताज है, तो इसमें हम लोग स्टे करेंगे। और ये हमारे एक चाचा ना अभी अविनाश भैया को ठोक देते तो अपन को सेफ होके चलना है। गाइस अपन चलो चलते हैं होटल में, चलो। नमस्ते नमस्ते गाइस, जाते ही ना स्विमिंग पूल में आके लेट जाऊंगा मैं, जाते ही स्विमिंग पूल में आके लेटना है गाइस, इतनी गर्मी लग रही है। हेलो हेलो, हमारे होटल के ना जो हमारे होटल के स्टाफ हैं वो भी एक राइडर ही है। हम लोग होटल आ चुके हैं और जो हमारी एंट्री हुई ना एक बढ़िया रिफ्रेशमेंट ड्रिंक के साथ हुई है। और अब हम लोग क्या थोड़ा चेक इन करके ना अपने रूम में जाएंगे और फिर जाके रेस्ट करेंगे। गाइस फाइनली हम लोग अपने रूम में जा रहे हैं और खुशी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि रूम में जाते ही साथ अपने बेड पर लेट जाना है मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सो फाइनली वी आर हियर इन आवर रूम। सो बहुत शानदार वाली लोकेशन होने वाली है। बाहर गाइस लोकेशन दिखा दूँ? दिखा दिए क्या अविनाश भैया? देखो गाइस ये लोकेशन होने वाली है, मस्त व्यू आ रहा है ना गाइस। देखो लेक व्यू है पूरे सामने। सो अब तो खुश हो, अब तो रूम में आ गए, गर्मी गर्मी कर रहे थे आप जब से। यार चलते हैं, हम एक बात लेते हैं बढ़िया सा, फिर जाके रेस्ट करेंगे, जो भी चीज़ होगी फिर आपको अपडेट करेंगे। तो गाइस फाइनली होटल में चेक इन करने के बाद और अपने रूम में आने के बाद सबसे पहले हम लोग ने बात लिया, फिर उसके बाद हम लोग ने अपना लंच ऑर्डर किया। सो गाइस लंच आ चुका है हमारा ये, और शानदार सा सामने व्यू देख रहा होगा आप लोग। सो गाइस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। दोस्त आर न्यू टू माई चैनल तो चैनल को जाके लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। तो गाइस अब ये वाले जो भोपाल वाला एपिसोड आने वाले हैं, ये पहला एपिसोड है। जो दूसरा एपिसोड आएगा वो अब आज के दिन देखेंगे, आज के दिन शूट करेंगे या नहीं तो कल के दिन शूट करेंगे, जो भी होगा अपडेट करेंगे और सारी चीज़ आए हैं। सो होप यू देयर, मिलते हैं नए ब्लॉग में।